शाम के समय में एकदम और सुंदर लगेगा। देखिए पूरा सन्नाटा पड़ गया, कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। आदमी हम नजर आएंगे कभी, खाली ये नजर आएंगे। देखिए कोई नजर आ रहा है? देखिए इधर है एक दुकान। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? देखिए शादी करने के बाद हम लोग को क्या हाल हो गया है। ठीक, सब बिजनेस तो चौपट हो गया है, तो अब गोबर छिटने जा रहे हैं क्योंकि खेती करना है। तभी हम लोग पानी ले लिए हैं और निकल रहे हैं। और देखिए ये भी चक्कर लगा रहे हैं। देखिए बोतल में पानी ले लिए हैं और देखिए ये भी चक्कर लगा रहा है। कहने गया हाँ, तो इसको चक्कर नहीं लगाना है क्योंकि बाहर बहुत धूप है। देखिए दोस्तों, इसको किए थे परसों और इसका हाल देखिए, पत्ता गोभी का। इसको आज लगता है उघाड़ना पड़ेगा। पत्ता गोभी का सीड्स जो है बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। ये कुछ नहीं है, गोभी का जल्दी हो गया। देखिए हम आज ग्लेरू लगता कस गया था ना, ग्लेरू नहीं था बड़ा था। गोबर कर दिया था बेटा किचन में उस तरह। कैसे तुम लोग यहीं रहना है बिट्टू? और ये देखिए 16 दिन का इसका जो है। देखिए दोस्तों, इन लोग जो है थलीवा जाने के लिए जिद कर रहा है। इन लोग को हॉस्टल ले जाइए पकड़ के, ले देंगे ना कुरकुरे हो। चल अरे देखो मुड़िया कौन सी लेके आ रहा है। देखो पैसा, देखो बाबा के बांध ले जाओ। चलो जाओ कुरकुरे ले देगा। अरे देखिए गाइस, यहाँ का रोड देखिए कितना कबाड़ा है। ये मेरा स्कूटिया है ना, वो परेशान हो जाता है बेचारा, इतना उछलना ही पड़ता है ना, कुछ कहने का ना। ये रहा खलीवा, देखिए वहाँ पे मेरा पीला टंकी दिख रहा है, वहाँ पे है मेरा घर। सब लोग माटी लगी क्या ये उन्हें कहा इतना माटी गिरा है। माटी गिरा हुआ थोड़ी है, फुटूस उटूस था, साला ऊंचा हो गया था। देखिए दोस्तों, ये थलीवा का जो है नज़ारा आप सभी को एक बार देख लीजिए, कितना सुहाना है। देखिए उधर बोरिंग चल, देखिए उधर बोरिंग चल रहा है। यही बोरिंग करा करके जो है सिंचाई होता है दोस्तों, ठीक है। अरे कोंडार का साग है, देखिए कोंडार, कोंडार आप लोग देखे हैं कभी? नहीं तो देख लीजिए। देखिए ये है करौंज का और ये है पीपल का। तो चलिए अभी हम लोग प्रस्थान करते गोबर विच फेंकने की ओर। देखिए दोस्तों, इधर गोभी लगा हुआ है, चलाई चल रहा है इसका। और ये हम लोग का एक कुआं देख रहे हो ना, ये सब कुआं एकदम खत्म हो गया, बहुत पुराना कुआं। तो अभी हमको कोड़ी लेना है दोस्तों, क्योंकि कोड़ी जो है यहाँ पे रखा हुआ रहता है हम लोग का। देखिए कोड़ी कहाँ पे रखा हुआ, देखिए यहाँ से दिखा आपको, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए है ना कोड़ी। तो इसको निकाल लेते हैं क्योंकि गोबर उठाने का काम आएगा। देखिए दोस्तों, हम ये देख रहे हैं ये सांप जैसा, ये फीता है, इसी में एकदम पानी उनी पटा रहा है पूरा। मेरा कुएं का यूज कर रहे हैं, मजा ले रहा है पूरा। अब खेत का जान देखिए, ये है गोबर, एक गोबर को भी छीटना है पूरा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे उठाना है, पढ़ाई थोड़ाई देंगे, देखिए दोस्तों इतना गोबर में फेंका और देखिए मैंने कोड़ी जो है पूरा धोखा दे दिया। देखिए कोड़ी जो है पूरा खोल गया दोस्तों, देखिए देखिए कहाँ हाल हो गया, इसका पंचर जो ढीला हो गया। चल ही नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। देखिए जो है आम आया है अभी, मीठा आम है। हे गाइस, अभी बहुत थक गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा बैठ गए। और इधर है ये गोबर, जो कि मतलब बहुत लड़के का भाव होता है कि गोबर नहीं छुएंगे। तो एक बार आ जाइए मेरे यहाँ, गोबर का काम करवा देंगे अच्छा से।
क्योंकि हम भी वैसा ही कहते थे, ठीक है, बट ऐसा जगह शादी हो गया कि गोबर फेंकना पड़ रहा है। अभी देखिए इतना बदबू भी गमकता है, तब पर भी सेंट ले रहे हैं, बैठे हैं। और आपको हाथ भी जरा सा दिखा देते हैं, देखिए मेरा हाथ, ये तो कम है, ये वाला हाथ ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ बहुत लोग का कोबी लग गया है, अभी तो हम गोबर ही छींक रहे हैं, देखते हैं कब तक होता है। थक गए पूरा, रोना आ रहा अरे ये यहाँ खड़े कहाँ हुआ, गोबर बहुत गिल्ला है भैया, गोबर बहुत गिल्ला ये दो तीन साल के बाद कर लेते हैं खा खा के हम लोग बता गए बस कुछ है। स्कूल में टीचर लोग भी गोबर छिड़ते हैं, बताइए सब मजात्मिक आदमी दिन है सब इन लोग जो है ना पैसे मेरा डुबा देता था सारा स्कूल का गोबर छिटना पड़ रहा है, रोना आ रहा है हमको। अच्छा ये जंगल वा कितना बचा दिया है, बाप रे, अभी गोबर छिटना। आपको मैं आपको हम एक चीज दिखाते, एक मिनट रुकिए गाइस, देखिए आपको इतना भयानक जंगल अब बचा हुआ कहीं नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे बच गया है। ये सब सब आपको जंगल बोल रहे ना इंस्टाग्राम वाली लड़की को भेज देने के लिए, काजी काजी नाम है सोफिया अंसारी, सोफिया एकदम घोलट घोलट तू लवर में स्विमिंग पूल है बाप कीचड़ वाला स्विमिंग पूल है सोफिया अंसारी यार क्या, अच्छा यार क्या क्या नाम है एक और वो लड़की का जी नाम था, एक और लड़की नहीं थी सोफिया अंसारी जैसी लंगी मतलब उसके कैटेगरी की जितनी भी लड़की है सबको भेज दीजिए यहाँ पे, जंगल में बहुत अच्छा सीन है, वीडियो बना लेगी। और दूसरी बात है कि यहाँ सब खेती बाड़ी छोड़ के उसी लोग को जाएगा देखने के लिए, मनोरंजन हो रहा है गांव में खेती भी हो रहा है वहाँ रील्स भी बन रहा है तो बहुत अच्छा है बोल दीजिए गाइस देखिए अभी इस तरह गोबर को ना बिखर दे रहे, क्योंकि ये रात भर में हो सकता है सूख जाएगा ना, तो सुबह फेंकने में आसान पड़ेगा, चप चप एक बार बोलिए तो मुंह चप चप कर रहा है चप चप कर रहा है नहीं वो जैसे बोलता है क्या दोस्तों, ये कोड़िया एकदम हम लोग को धोखा दे रहा है, बहुत लड़चट कोड़ी है। Hey guys, अभी शाम के कितने बज रहे हैं, एक मिनट रुकिए हम बताते हैं, नहीं दिखता है, 6:30 शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी तक हम तो पता है गाइस जब भी कोई आ जाता है ना तो पता क्या करते हैं, बंद कर देते हैं वीडियो। अरे अजीब अजीब तरह का बोलता भी है, मतलब फेस पे नहीं बोलेगा, आपके मुंह के सामने नहीं, बीच पीछे बहुत कुछ बोलता है तो बहुत ख़राब लगता है। ऐसे मेरा मेहंदी में बहुत खुजली हो रहा है, देखिए मेरा मेहंदी कैसा है ये भी थक गया है इसलिए बैठ गया, क्या करे आपको हम क्या बोल रहे थे, हम रो रहे थे, ठीक है, हम रोने का भी रीज़न बताते, ठीक है, ये है ना ये महादेव, उनको महादेव बोलेंगे आपसे, अरे पार्वती, हम पार्वती, माय गॉड थैंक यू, मतलब ये जा रहे थे हम लोग को छोड़ के बहुत दूर काम करने के लिए, ठीक है, और हम जैसा एरिया में रहते हैं ना वो बहुत सुनसान है, ठीक है, मतलब मेरे लिए वो सेफ नहीं था, पर ये हमको छोड़ के जा रहे थे और इसलिए हम बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कि दिन भर रोए हैं, दिन भर, रात में भी कि कल चले जाएंगे यार कैसे रहेंगे हम, मतलब बहुत चिंता हमको लगा हुआ था कि अगर कुछ हो जाएगा, कोई ईंटा पत्थर, क्योंकि एक बार ना मेरे घर में ईंटा पत्थर चुराया है, मतलब फेंका था, और मेरे घर चोरी भी हुआ था, आप लोगों को तो पता है, वीडियो तो देख ही लिए होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डर था, पर ये बोले हम इनको बनाए बहुत मुश्किल से, और फिर इनको भी समझ में आ गया कि नहीं शायद छोड़ के जाना सही बात नहीं है, तो प्लीज़ आप हम लोग को यूट्यूब में तो हेल्प कर सकते हैं ना, सभी लोग को कर दे यार, तो मुझे भी कर दीजिए, मतलब मुझे नहीं हम लोग को, हम लोग दोनों को, ठीक है, थैंक यू, घर जाएंगे, बहुत
पसीना पसीना है। नहा लेंगे उसके बाद एकदम फ्रेश लगेगा। अब यहाँ से जाते घर, क्योंकि बहुत शाम हो चुका है और यहाँ पे लगभग सभी लोग चले गए हैं। ठीक है, आपको सुनसान तो नज़र आ रहा होगा, कोयल कोयल वल का आवाज़ आ रहा है शाम के समय में, एकदम और सुंदर लगेगा। देखिए पूरा सन्नाटा पड़ गया, कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आदमी। हम नजर आएंगे कभी, खाली ये नजर आएंगे। देखिए कोई नजर आ रहा, देखिए इधर है एक दो। आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को कल फिर आएंगे बेहतरीन वीडियो लेके, गोबर छिटने वाला। ठीक है, कल जो है एकदम मशीन से छिटेंगे, इसलिए एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए टप से। देखिए दोस्तों, हम लोग का बाबा जो है यहाँ पे गाछी किया है और चाचा जी, और यहाँ पे एक अमृत का गाछ था, वो मेरा बाबा को सहा नहीं रहा था, काट के एकदम उजर कर दिया। देखिए एक यहाँ लेम्बो गाछ था, वो उजर कर दिया था काट के। देखिए लेम्बो ये जड़ियों अभी तक यहीं। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं अपने ड्यूटी से, 10,000 मिला आज। ठीक है दोस्तों, कल देखते हैं क्या चिल्ली का पार्टी होगा।